तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क ड्रैगन हंटर एबिस का। और आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अभी आज के इस एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताऊंगा। बॉस टीमिंग हमारी शुरू हो चुकी है, हम लोग ने बॉसेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया। पिछले एपिसोड में हम लोग ने जो है यहाँ पे टेम कर लिया था इस खतरनाक से अनेक बॉस को, और इसको पकड़ के हम लोग ने इसका इवोल्यूशन जो है गाइस वो भी यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, इसका इवोल्यूशन निकालने के बाद जो है ना गाइस, ये यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक वाला डैमेज दे रहा है। सो ऐसे ही गाइस जो दूसरे बॉसेस है उनको भी गाइस मैं फटाफट से भी यहाँ पे कैप्चर करने का काम करने वाला हूँ। ठीक है, एंड उसके लिए पहले तो उनके जो है ना गाइस टेमेबल वेरियंट, मुझे यहाँ पे अंडे टेमेबल वेरियंट वाले जो अंडे गाइस वो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सो हमारा जो अगला बॉस है गाइस वो यहाँ पे अनिका नाका बॉस लॉक्ड है यहाँ पे। ओके, इनको अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है चलो, नाका बॉस को तो मैंने अनलॉक कर दिया है अभी यहाँ पे। ठीक है, बॉस समोन नाका, कितने बॉस है अभी, 1 2 3, तीन बॉस आज कैप्चर कर लेता हूँ मैं, और तीनों को लेवल अप भी इवॉल्व भी करूँगा मैं। ठीक है, पहले नाका, उसके बाद हमारा ये, एंड उसके बाद हमारा ये, तीनों बॉसेस को आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो है गाइस यहाँ पे इवॉल्व भी करेंगे और साथ में टेम भी करेंगे, एक डार्क, एक नाका और एक वेनस भाई। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्रिस्टल चाहिए होंगे, और यार इनके भी गोल्ड वाला क्रिस्टल तो मिल गया मुझे, इससे मैं गोल्ड वाला नाका जो है उसका इवोल्यूशन कर पाऊंगा जैसे मैंने हमारे एलिगेटर का इवोल्यूशन करा था। ठीक है, ओके 20 गोल्ड स्टोन्स इनफ रहेंगे। ओके, डार्क का क्या सीन है, डार्क मुझे मारना पड़ेगा लग रहा है एक और, क्योंकि डार्क का क्रिस्टल नहीं है मेरे पास, मेरे पास डार्क का जो है ना गाइस क्रिस्टल पड़ा नहीं है। वेनस का भी क्रिस्टल नहीं है ना मेरे पास, नहीं वेनस का भी क्रिस्टल नहीं है। किसका है भाई क्रिस्टल, वर्ल्ड मिथिकल वाला। और वेनस कौन सा बॉस है यार, वेनस कौन सा वाला बॉस है, डार्क गोल्ड और नहीं ये लेजेंड वाला है आई थिंक से। हाँ भाई, गरीना टोकन, गरीना मिथिक वाला है भाई ना, एनर्जी और मिथिक नहीं है गाइस मेरे पास ना, दो बॉसेस के क्रिस्टल नहीं पड़े हुए। ठीक है, मैं पहले इनके क्रिस्टल का जुगाड़ करता हूँ, मतलब इन बॉसेस को मुझे वापस से मारना पड़ेगा यार। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्ड वाला मिल गया, वेनस को लेजेंड चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, डार्क बन गया। तेरे लिए क्या चाहिए, लेजेंड चाहिए क्या, लेजेंड मेरे पास पड़ा है, लेजेंड तो भर भर के पड़ा है, ये ले भाई लेजेंड ले। ठीक है चलो आ जाओ, अभी इन दो बॉसेस को मुझे मारना पड़ेगा हमारे रोबोट से भाई। ठीक है, ये रोबोट इनको मारेगा, हम लोग को क्रिस्टल ऑन दी स्पॉट तुरंत मिल जाएगा, तो इसलिए इस रोबोट से जो ना कैसे इन बॉसेस को मारना है। सबसे पहले मैं बुला लेता हूँ कैसे यहाँ पे डार्क को, डार्कवा को बुलाते हैं, डार्कवा को बुलाएंगे, और डार्कवा को भाई इसके आर वाले अटैक से जो ना कैसे मारना है, जो कि लेजर छोड़ने वाला अटैक है भाई, डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड कर दूंगा भाई उस डार्क को। बस उसकी जो भाई स्वॉर्ड है ना, वो भाई शील्ड है ना, शील्ड है तो हमारा बेस सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे अपने इस डायनो के ऊपर पूरा भरोसा है। अब बस शील्ड ना टूट जाए, शील्ड टूट गए तो गया, फिर टाटा बाय बाय गुड बाय, फिर मेरा बेस भी जाएगा और अंदर जो डायनो से वो भी मारे जाएंगे। सो थोड़ा संभल के भाई यहाँ पे रहना है, बाकी तो भाई होने दो, होने दो, क्या हो रहा है, आ गया डार्क भाई, कैसा हूँ डार्क भाई, कैसा डार्क भाई, कैसा नहीं डार्क, डार्क भाई कैसा हूँ, क्या कर रहा भाई तू, अबे इस डार्क को पेलना है, डार्क को मारने का छोड़ के सबको मारे जा रहा हूँ मैं। डार्क को अगर मैं आर वाले अटैक से ना पेलूंगा ना, तो मुझे क्रिस्टल ना मिलेगा उसका, ये बात याद रखना यार। अबे भाई क्रिस्टल, क्रिस्टल के लिए इसको मारना पड़ेगा यार, ये तो मेरे से ये मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये बिलाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। डार्क या नाना ची तंगड़ी, रुक जा डार्क का, डार्क रुक जा बेटा, नहीं डार्क तो तू भाई बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है ना, तू मेरे से एक फटके में नहीं मर रहा है ना तू बेटा, रुक बेटा रुक रुक, तेरे को दिखा दो अभी मेरा एक ऐसा डायनो से तेरे को एक फटके में उड़ा सकता हूँ। फ्लावर समझ रखा है क्या इसने, फ्लावर समझ रखा है भाई। अनिका चलियो 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 चलियो, इम्प्रिंट करो अनिका को भाई, इम्प्रिंट करो अनिका को, है फ्लावर समझाए क्या डार्क मेरे को, है
मर ही नहीं रहा मेरे से, मर ही नहीं रहा क्या मेरे से? अभी दिखाता है इसको, देखता अभी कैसे नहीं मरता, अभी देखता कैसे नहीं मरता। अपने एलिगेटर से जिंदा चबा जाऊंगा इसको मैं, खा जाऊंगा भाई मैं। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। क्रिस्टल चाहिए होगा मुझे इसका, मतलब इन बॉसेस को ना इसे चुटकियों में एक फटके में मारना है, तब जाके मेरे को इनका क्रिस्टल मिलेगा। गलती से मिस्टेक हो गया भाई, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। मारू मारू, अबे भाई रेक्स मिल गया। रेक्स ने अपना जलवा तो दिखाया था बट गिल गया रेक्स, रुको रेक्स से ही मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा यार गाइज। अभी अगर मैं इसको मार दूँ ना तो क्रिस्टल नहीं मिलेगा मेरे को, पता है क्यों? ये बॉसेस का यही सीन है, इनको मार, अगर क्रिस्टल चाहिए ना हम लोग को इनका, तो हमको इनको मारना पड़ेगा एक फटके में थंडर फैंग। और मेरा थंडर फैंग जो है ना गाइज, वो भी इतना पावरफुल नहीं है कि उसको एक फटके में उड़ा पाए। रेक्स मैन कौन सा वाला भाई? ये वाला था क्या मेरा थंडर फैंग? 200 लेवल का आई थिंक से ये वाला ही होगा, ये वाला ही होगा थंडर पैंक। थंडर पैंक से भी इसको पहले मार देता हूँ क्योंकि मेरे बेस के आजू बाजू घूम रहा है ना, सो थोड़ा खतरा है यार हमारे लिए, थोड़ा खतरा तो है। सो पहले इसको मार दूँ मैं और आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे इससे क्रिस्टल नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल क्रिस्टल नहीं मिलेगा। क्रिस्टल अगर मुझे चाहिए तो मेरे को काफी बढ़िया, काफी बढ़िया क्रिस्टल मिला। वन शॉट मारना पड़ेगा तब जाके क्रिस्टल मिलेगा, वरना इवोल्यूशन वाला क्रिस्टल भूल जाओ कि मिलने वाला है। मैंने बोला था गाइस देखो क्रिस्टल नहीं मिला, अगर मैं वेनस को भी यहाँ पे बुलाता हूँ अभी जो कि ये रहा, तो वेनस को भी हमारा थंडर फैंक वन शॉट नहीं मार सकता। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वेनस का भी क्रिस्टल हमको मिलने वाला है। मुझे ऐसा एक काम करूँ क्या, फिर वन शॉट मारने वाला गाइस बॉस में टेम करता हूँ, मेरे पास वो बॉस घरीना बॉस है रेक्स, वो इन लोग को वन शॉट मार सकता है, इतना पावरफुल है, और हम लोग को फिर इनका क्रिस्टल भी मिल जाएगा। तो पहले हम घरीना को टेम करते हैं एंड उसके बाद जो है ना गाइस, घरीना को टेम करने के बाद हम लोग इनको वन वन शॉट मारेंगे, इनका क्रिस्टल हासिल करेंगे, फिर इन बॉसेस को टेम करके इवॉल्व करेंगे। मस्त प्लान है कि नहीं बताओ? स्टन दे दिस भाई। मैं जो है ना गाइस कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ब्रो। कॉर्पोरेट वाला म्यूजिक फिर भी बज रहा है यार इसका, तो उनको पूरा आवाज ही कम कर लेता हूँ मैं। अब इधर आइयो, नीचे आइयो, नीचे आइयो, अभी आएगा ना नीचे। ओके ठीक है, शिफ्ट प्लस क्यू, शिफ्ट प्लस क्यू अटैक डाल, नहीं डाल सकता क्योंकि ये स्टन दे देता है, तो मेरे अटैक वर्क नहीं करते भाई, चीटिंग करता भाई यार, चीटिंग करता तुम लोग। अभी उड़ गया भाई, अभी कैसे अटैक लगेगा? अभी यार रोबोट भाई तुम का कर, अरे यार ये स्टन दे रहा है भाई, रोबोट की गलती नहीं है, ये स्टन ही इतना खतरनाक दे रहा है। देखो मैं हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से। ठीक है रुको, इसको आने दो भाई, आजा नीचे आना, दमे तो नीचे आना भाई, आना नीचे, दमे तो नीचे आ, फिर दिखाता तेरे को मैं अपना जलवा। नीचे आइयो बेटा, नीचे आइयो गोलू बेटा, मस्ती नहीं, नीचे आना, नीचे चल। ये क्या कर रहा है यार, आ तो गया था नीचे भाई, मैंने क्या कर दिस ये। ओके नाइस, जी ओ खल्लास, क्रिस्टल नहीं मिला, वन शॉट मारना है गाइस, वन शॉट मारेंगे तो क्रिस्टल मिलेगा, वन शॉट अगर हम किसी को मारेंगे नहीं तो क्रिस्टल नहीं मिलेगा। तो वन शॉट मारने वाला बॉस ही टेम कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है आ जाओ भाई, चलो जो इन सबको वन शॉट मार सकते हैं मैं वही बॉस को ही टेम कर लेता हूँ डायरेक्टली। देखो क्रिस्टल मिला नहीं मेरे को वंस अगेन, जैसे कि मैंने बोला था वन शॉट मारने वाला जो ना गाइस एक ही बॉस है जो है घरीना, घरीना इन लोग को जो ना गाइस वन शॉट मार सकता है। घरीना का अंडा भाई मुझे बनाना पड़ेगा, गरीना कहाँ पे यार, गरीना का अंडा कहाँ पे,
गरीना का अंडा खाए? नहीं, गरीना का अंडा नहीं है यहाँ पे। गरीना का अंडा, गरीना से क्या मिला था मुझे? गरीना से क्या मिला था? गरीना को मार के कौन सा क्रिस्टल मिला है? गरीना, गरीना बॉस है ना, ब्रोकन कोर। हाँ, ये गरीना वाला कोर है, ये गरीना वाला कोर है। ये कोर डालना है मुझे वहाँ पर, रुको, ये कोर डालना है मुझे वहाँ पर। ये गरीना वाला कोर है ना, इस कोर की मदद से हम लोग जो है इस वहाँ पे बना सकते हैं उस बॉस को। रुको, ऑल राइट, ब्रोकन कोर, ब्रोकन कोर से देखते हैं क्या बनता है। टेम्ड ब्रोकन कोर से क्या बनेगा पता नहीं। टर्न ऑन ये वाला गरीना भाई, इजी पीजी गरीना मिल चुका है। ये रहा हमारा गरीना बॉस, ठीक है गाइस। इसको नॉकआउट करने के लिए नॉक्शियस वाला ये एलुसोरस थोड़ा सा भाई वीक हो जाएगा इसके सामने। गरीना इसको भाई एक फटके में उड़ा दो। नॉकआउट करने के लिए हम लोग को अभी फिर वो बनानी पड़ेगी क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगा उसके सामने। डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड कर देगा इस एलुसोरस को, ऐसे उड़ा देगा भाई वो। रुको, फिर भी देखता हूँ मैं, फिर भी देखता हूँ। चल एलुसोरस आ जा भाई। गरीना जो है ना गाइज, वो एलुसोरस से तो बेहोश नहीं होने वाला है जितना मुझे लग रहा है। और इसके अंदर मैं ट्रैकर डाल देता हूँ एलुसोरस के अंदर, क्योंकि गरीना कोई मामूली बॉस नहीं है। सो इसलिए मैं इसको भाई थोड़ा सा दूर लेके जाऊँगा। ब्लू ऑब्लिक पे हम लोग इसको टेम करेंगे, ठीक है। गरीना बॉस टेम्ड वर्जन बराबर, यस। चल आ जाओ, इसको बेहोश करना कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला हमारे लिए। हीलिंग पोशन कितने? हीलिंग पोशन जितने ज़्यादा बना सकता और बना लूँ, नहीं बना सकता मैं ज़्यादा, और हीलिंग पोशन की ज़रूरत पड़ेगी। इतू से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कम ऑन राइड कर, ये जो 19 सीलिंग पोशन है ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, 19 सीलिंग पोशन ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। इसको बेहोश कर, भागने दो, भागने दो, पकड़ लेंगे, उतना भी ज्यादा तेज, उतना भी तेज नहीं है ये। हो गया गाइस, इजी पीजी बॉयज, इजी पीजी। अरे बच्चा है, बच्चा छोटा बच्चा है भाई, छोटा बच्चा। इसका टेमिंग फूड लेके आना पड़ेगा बस मेरे को। अरे छोटा बच्चा है भाई, इजी पीजी। क्या भाई तेरे को क्या चुल मची थी लोगों को, इन्होंने आग लगा दी। मीत लेके आना पड़ेगा टेमिंग फूड, टेमिंग फूड मीत चाहिए होगा मुझे भाई। पोशन में मीत, मीत 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 ये रहा। सेडिमेंट चाहिए, अरे यार तुम अलग ही मजाक करते हो भाई। इसके लिए तो मशीन बनानी पड़ेगी मुझे सेडिमेंट के लिए, सेडिमेंट के लिए मुझे वो मशीन बनानी पड़ेगी। उसका नाम क्या है जिसमें सारी चीज़ें पिघल जाएगी? टेक वाला कुछ तो होगा भाई, वो टेक वाली कोई तो चीज़ होगी। सेडिमेंट चाहिए यार, अभी सेडिमेंट, 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 ओके ठीक है। और जनरेटर, जनरेटर चाहिए होगा, सेडिमेंट, ऑब्सीडियन चाहिए मैन, और जनरेटर,
ऑब्सिडियन भाई, 1000 ऑब्सिडियन यार भाई, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ऑब्सिडियन है। इतना ऑब्सिडियन तो बनते बनते भाई उर्रेक्स वापस से जिंदा हो जाए, उठ जाए भाई। एक का डबल करने के लिए तुम्हें डाल दो इतना ऑब्सिडियन। एक मिनट रुक जाओ, बन जाएगा, मिल जाएगा ऑब्सिडियन, क्योंकि हमारे पास ये वाला हथियार है। इसे एक पत्थर तोड़ेंगे तो कचरे की तरह ऑब्सिडियन मिलेगा मेरे को। ऑब्सिडियन वाला पत्थर का ओके, ऑब्सिडियन जितना चाहिए था उतना मिल चुका है। बाकी फालतू चीज़ें जो है वो मुझे ड्रॉप करने दो यहाँ पे। बराबर, ऑब्सिडियन का एक और पत्थर यहाँ पे होता है। ऑब्सिडियन जितना चाहिए था उतना शायद से मिल चुका है मेरे को। अभी हम लोग घर पे चलते हैं, इसकी मदद से सेडिमेंट बनाते हैं, फिर गरीना बॉस को टेम करेंगे। ठीक है गाइस, आराम से गरीना बॉस को टेम करेंगे। तो भाई यहाँ पे रह जा, पहले तो भाई मुझे बनाना पड़ेगा सेडिमेंट। ओके, सेडिमेंट के बाद बनाना पड़ेगा जनरेटर। से बन गया जनरेटर। उसके बाद जो भाई बचा हुआ ऑब्सिडियन है, उस ऑब्सिडियन को मैं डाल दूंगा इसके अंदर, ताकि वो एक का डबल हो जाए और फ्यूचर में ऑब्सिडियन की हम लोग को भाई कभी भी कमी ना पड़े। बाकी स्टोन वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ। सोल डालनी पड़ेगी ना यहाँ पे कहीं पे। अरे बीच में जो बक्से डाले ना, इनको उठाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सोल डाल देता हूँ, इसी से सेडिमेंट बनता है गाइस, इसी से सेडिमेंट बनेगा। तो सोल वहाँ पे डाल दिए, इस चीज़ को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। इसका जनरेटर जो है गाइस वो ये रहेगा, जो इसको पावर देगा, पावर देगा यहाँ पे, एक्टिवेट पावर। इसके अंदर ये सोल डालेंगे तो इससे सेडिमेंट बन जाएगा। आ जल गया मैं, इससे बनेगा गाइस सेडिमेंट अभी। ऑल राइट, सो सेडिमेंट भाई आराम से बनने दो। बाकी फालतू चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको मैं यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है गाइस इनकी। फालतू में भाई बेस पे जो ना गाइस कचरा जमा हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो सेडिमेंट कितने बन गए भाई? 9 सेडिमेंट बन के रेडी है। सो अभी इन सेडिमेंट्स को मुझे एक का डबल करना है। एंड फॉर दैट यहाँ से सोल मैंने बनाने के लिए यहाँ पे डाल दिए। सेडिमेंट को एक का डबल करने के लिए मैंने डाल दिया है। इन सोल्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यह हाइट वगैरह अभी यहाँ पे जाने दो। एंड अभी आई थिंक से हम लोग बना पाएंगे पोशन में मिथिकल। यस, मिथ बना लिया। अभी मिथ को एक का डबल कर लेना, मिथ को एक का डबल करना है। सेडिमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है इधर तो, सेडिमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। 5000 इसको हटाओ और यहाँ पे मिथ बनाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, गन पाउडर जो है वो जाएगी यहाँ पे इसके अंदर। बाकी थोड़ी गन पाउडर को मैं एक का डबल करने के लिए वापस से डाल देता हूँ। डन 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 डन। ये सेडिमेंट को मैं यहाँ से हटा दूँ यहाँ पे। वो सेडिमेंट सारे खींच ही लिए भाई उन लोगों ने ना। हाँ, सोल एक का डबल होने दो और सोल को मैं सेडिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए डाल देता हूँ। ये सोल जो है वो यहाँ पे सेडिमेंट बनाएगी। ठीक है गाइस, ये सोल यहाँ पे सेडिमेंट बनाएंगे एंड सेडिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इन सोल को मैंने यहाँ पे भी डाल रखा है। बराबर, टेमिंग फूड एक का डबल हो चुका है। बराबर, अभी फाइनली ब्लू ऑब्लिक पे जाके हम लोग उसको टेम कर सकते हैं। हाँ जाओ भाई, स्ट्रगल गाइस, बट बना लिया हम लोग ने किबल भाई। जल्दी जल्दी आ भाई, कैसा है रेक्स? मेरी जान, तेरे को बहुत मारा है ना। ये किबल खा ले चुपचाप से। इसका भी लेवल अप है, बट इसका लेवल अप हम नहीं कर सकते अभी के लिए। चल आ जा भाई। ओह यस गाइस, फाइनली गरीना बॉस को टेम कर लिया। गरीना के लेवल अप करो यार थोड़ी। भाई हेल्थ तो है भाई, डैमेज कितना जाएगा इसका भाई? पूरा पत्थर का नेचर, नेचर रेक्स है भाई, नेचर रेक्स है भाई। दिस इज द नेचर रेक्स इज द भाई, दिस इज द नेचर रेक्स इज द। ये कौन चीज़ है भाई, ये कौन चीज़ है, ये कौन सा वाला भाई डिलोफोसॉरस है जो मेरे से मार खा रहा है और मर भी नहीं रहा अभी तक? मर गया भाई। ठीक है, ये देखो, ये रहा बड़ा नेचर रेक्स है भाई। पूरी बॉडी इसकी स्टोन की बनी हुई है और इसके भाई ऊपर जो ना गाइस फूल पौधे वगैरह जो ना गाइस सब कुछ उगा हुआ है। इसको जुलाब लग चुका है, पता नहीं रात में खाने में इसने क्या खाया था, देख रहे हो कैसे पोटी कर रहा था, लेकिन अभी रुक गया भाई। ठीक है, सो ये नेचर रेक्स है हमारा मिथिकल वाला। इसका नाम है गरीना, जो काफी खतरनाक है। अटैक की बात करें तो इसके पास है बाइट अटैक, डोर अटैक गाइस। इसमें पॉइजनस गार्डन बनाता ही है ये जो ना गाइस पॉइजनस फ्लावर है। इसमें जो भी खड़ा होगा क्रीचर पॉइजन के कारण खलास। सी पे भाई क्या कर रही है? सी पे कुछ भी नहीं कर रहा, एक्स पे कुछ भी नहीं कर रहा, कंट्रोल पे, क्यू पे, आर पे कोई नहीं है। बस इसके पास दो अटैक है, बाइट अटैक और ये वाला गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन करने वाला अटैक और बाइट अटैक। इसके अलावा और कोई अटैक जो है वो हमारे इस रेक्स के पास अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। इसकी हेल्थ कितनी करी जाए? 5 मिलियन, 5 मिलियन होगी भाई की हेल्थ। बचे हुए जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट डालूंगा इसके मिली डैमेज में। देखता हमारी इस गरीना बॉस का जो डैमेज है वो कितना जा पाता है। ठीक है, कोई मामूली बॉस नहीं है गाइस,
ये कोई मामूली बॉस नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ, खतरनाक बॉस है ये। इसकी हेल्थ गाइस कितनी हो चुकी है, 6.3 मिलियन। आ जाओ, अरे काट देंगे, पत्थर वित्तर टूट रही है भाई, शील लॉक डैमेज गाइस, वन शॉट मार दूंगा मैं बॉस को भाई, इसको बस मैक्स लेवल करना। वो गार्डन वाली पावर दिखाओ आपको, गार्डन वाली पावर देखो, 3-3 लाख का डैमेज गार्डन में पड़ रहा है मेरे, मेरे गार्डन में ही 3-3 लाख का डैमेज पड़ रहा है। जो भी गाइस मेरे इस गार्डन में भाई खड़ा रहेगा फूलों वाले, उसको पॉइजन इफेक्ट पड़ेगा और उसकी पेटी बन जाएगी। ऐसे जहरीले जो ना गाइस गार्डन को हम लोग क्रिएट करते हैं भाई। चलो इसके मिली डैमेज मैक्स लेवल भी हो गया इतनी जल्दी, वाओ ये तो मैक्स लेवल भी हो गया भाई, बहुत ज्यादा जल्दी यार, मुझे लगा नहीं था भाई इतनी ज्यादा जल्दी मैक्स लेवल होगा, बट हमने इसको मैक्स लेवल भी कर दिया है, इम्प्रिंट भी कर दिया है। तो कोई इसको क्रायो भी कर लेता हूँ, कोई ग्लिच वगैरह होगा तो वो भी हट जाएगा, ठीक है आ जाओ। चलो सो बताइए कैसे लगा गाइस अपना गरीना बॉस। ये गरीना बॉस का क्रिस्टल मिला है क्या मुझे, वो नहीं मिला होगा आई थिंक से ना। हेल्थ कितनी है, 6.3 मिलियन भाई की हेल्थ है, और अटैक जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले जो ना गाइस हमारे ये रिक्स कर रहा है, मतलब दो ही अटैक है इसके पास, बट दोनों अटैक का डैमेज काफ़ी तगड़ा जा रहा है, एक का 7 लाख जा रहा है ठीक है, और वो गार्डन गार्डन जहरीले गार्डन का, जहरीले गार्डन का, रुको मैं आपको दिखाता हूँ जहरीले गार्डन का डैमेज दिखाता हूँ। और मैं जैसे भाई जहां से भी जा रहा हूँ ना, पेड़ पौधे हर एक चीज टूट रही है, ये देखो हर एक चीज, पेड़ पौधे पत्थर वगैरह सब टूट रहा है। मेरे गार्डन वाले डेक का डैमेज है 4 लाख, 4 लाख का डैमेज जो है इस मेरे गार्डन में पड़ेगा, इस पॉइजनस गार्डन में जो भी आएगा उसको कंटिन्यू 4 लाख का डैमेज पड़ेगा। और भाई जो पत्थर वगैरह उड़ा उड़ा के जा रहा हूँ ना मैं भाई, यार मजा आ रहा है भाई इसको चलाने में, करीना बॉस को भाई, करीना बॉस ओपी बोलते हैं बॉस, करीना बॉस ओपी बोलते हैं भाई, सबकी बैंड बजा के रख दूंगा, हमारा करीना बॉस किसी से कम है क्या भाई, काट के रख दूंगा एक एक को। ये लो क्या लग रहा है गाइस, क्या इसकी मदद से हम लोग वो जो क्रिस्टल है जो कि एक शॉट में किसी भी बॉस को हम मारेंगे तभी हमको मिलेगा, वो क्रिस्टल हम लोग हासिल कर पाएंगे, और मैं इस गरीना बॉस का भी वो क्रिस्टल हासिल करके इसको लेवल 2 करूंगा ताकि इसका डैमेज और भी ज़्यादा हाई जा सके। ये सब कुछ करेंगे आने वाले एपिसोड में, अभी नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो आज का जो एपिसोड है हमारा आर्क सर्वाइवल गोल का, आर्क ड्रैगन हंटर एबिस का, हो जाता है यही पे खत्म। बाकी आपको हमारा गरीना बॉस कैसे लगा जरूर बताना, इसकी असली पावर आपको आने वाले एपिसोड में जब हम बॉस फाइट करेंगे तब पता चलेगी। बाकी इसका लुक और इसका अटैक और डैमेज कैसे लगे जरूर बताना, अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल गोल का, ड्रैगन हंटर एबिस के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.